कैसे सहाय मैं खुश हूँ मुझे फिर से एक मौका मिली है और मैं आज इस समय को ले सकती हूँ और आज सुबह के लिए मैं फीचर टॉक में वचन रखना चाहती हूँ और वो है लुका लुका नाव का फोर्टी सिक्स से फोर्टी एट तक और वहाँ पर लिखा है फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है पर यीशु ने उनके मान का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है क्योंकि जो तुम में से छोटे से छोटा है वही बड़ा है और ईश्वर इस वचन पर आशीष देवे और मैं इस वचन के आधार पर ही बताना चाहूँगी और मेरा जो बोलने का शीर्षक होगा वो है किसी को तुच्छ ना जानो या अपने आप को बड़ा ना कहो हम अगर अपने आप को बड़ा कहते हैं तो हम अप, अप, अपने आप को छोटा समझना है तभी हम अपने आप बड़ा होते हैं और हम हर तरह की कामों के द्वारा हर तरह की सोच से हम अपने आप को बड़ा कहलाते हैं बहुत जैसे कि पैसा कौड़ी से तो है ही घर द्वार से है फिर पहनने ओढ़ने में ऐसा बहुत तरह तरह की चीज़ है जो हम अपने आप को बड़ा समझते हैं लेकिन हमें ऐसा करना या ऐसा तुझ जलना अच्छा बात नहीं है और हम प्राकृतिक में मैं देखते हैं मैं प्राकृतिक से एक चीज़ बताना चाहूँगी किसे करके हम किसी को तुच्छ जानते हैं एक कहानी के रूप में मैं बताऊंगी जो इंग्लिश या हिंदी में क्या कहते हैं हम मुझे मालूम नहीं मैं बांग्ला में कहती हूँ जो चिड़िया हैं जिस चिड़िया का नाम है एक चिड़िया का नाम है बाबूई और एक चिड़िया का नाम है चोड़ोई दोनों चिड़िया के बारे में मैं बताना चाहूँगी जो चोड़ोई पखी होता है जो घरों में जो घोसला बनाती है और जो बबूई पक्षी होता है वो नारियल का पेड़ में सुपड़ी का पेड़ में घोसला बनाती है इससे आप लोग पहचान लेंगे चिड़िया कैसा है तो ये दोनों चिड़ियों के बारे में मैं बताना चाहूँगी अपने आप को कैसा एक दूसरे को तुझ जानता है और अपने आप को बड़ा समझता है इसी तरह हम भी हर किसी काम में अपने आप को हम बड़ा समझते हैं लेकिन ऐसा हमें करना अच्छा नहीं है तो जो चुड़ई पक्षी जो होता है वो घरों में घर बनाती है लोगों का घर में जो महल में और अपने आप को बहुत बड़ा समझती है मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ मेरा घर ऐसा दो तला बिल्डिंग है या काठ का घर है और जो नरियल का पेड़ में बनाती है वो तो अपने बुद्धि से अपने हाथों से अपना घर बनाती है और जो ये लोगों का घर में रहती है वो कहती है तुम तो मट्टी का घर में रहती हो जब कभी हवा और पानी हो तो भींग जाएगी बोल के उसको हंसती है और अपने आप को बड़ा कहती है तो एक दिन वैसे ही हुआ और उसको जाके कहती है तुम्हारा तो हालात ऐसा तुम तो मट्टी का घर में रहती हो लेकिन वो उसमें दुख नहीं करती है पर उससे वो जवाब देती है कि तुम तो बिल्डिंग में रहती हो लेकिन तुम दूसरों का बनाया हुआ घर में रहती हो और मैं जो रहती हूँ अपना मेहनत से मेरा मट्टी का घर सही लेकिन मैं इसमें खुश हूँ मैं अपना कमाई से अपना मेहनत से अपना बुद्धि से बना के रहती हूँ बोल के बोलती है तो इसी तरह हम में से भी हम बहुत चीज़ों में हम अपने आप को बड़ा समझते हैं और कहते हैं लेकिन हमें ऐसा करना ठीक नहीं है मैं आज के लिए इतना ही बोल के अंत करती हूँ धन्यवाद